मैं बात कर रहा हूँ राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल के वसीम, नाजिम और जैन की। आज इनकी वीडियोस पर मिलियन में व्यूज आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इनकी वीडियोस पर 200-300 व्यू ही आते थे। इतनी मुश्किलों के बावजूद राउंड टू हेल इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूट्यूब पर चैनल बनाने का आइडिया नाजिम अहमद का था और उन्होंने पहली दो वीडियो फुटबॉल से रिलेटेड डाली। पहली वीडियो पर 60 जबकि दूसरी वीडियो पर सिर्फ 12 व्यूज ही आए। कम व्यू से परेशान नाजिम ने चैनल पर वीडियोस डालनी बंद कर दी। फिर कुछ दिन बाद यूट्यूब पर वाइंस के बढ़ते चलन देख नाजिम ने वसीम और जैन से कहा, क्यों ना हम भी वाइंस बनाते हैं। उनको ये आइडिया बेहद पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाई और 6 नवंबर 2016 को राउंड टू हेल चैनल पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो पर 2 दिन में 120 व्यू आए। ये देख वो बेहद खुश हो गए। देखो इन्होंने मार मार के मेरी हालत बिगाड़ दी। इसके बाद उन्होंने इसका सेकंड पार्ट बनाया और 20 नवंबर को अपलोड कर दिया, जिस पर 200 व्यू आए। लेकिन उन्हें अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ बुरा भला सुनने को मिला। कोई भी उनके इस काम से खुश नहीं था, जिस कारण उन्होंने वीडियोस बनानी भी बंद कर दी। ऐसे मुश्किल समय में उनका सबसे अच्छा दोस्त आलम सैफी उनके लिए आगे आया और उन्होंने वाइंस बनाने के लिए मोटिवेट किया। आलम सैफी ने उन्हें DSLR लेने को कहा और साथ ही अपनी तरफ से एक ट्राइपॉड भी गिफ्ट किया। फिर उन्होंने DSLR लिया और व्हेन यू गॉट अ न्यू DSLR वीडियो शूट किया और अपलोड कर दी, जिस पर 300 व्यू आए। अब उन्होंने व्यू की परवाह किए बगैर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की ठान ली और लगातार वीडियो अपलोड करने लगे। ऐसे में उन्हें जरूरत थी तो एक वायरल वीडियो की, और वो दिन भी आ ही गया। उनकी जियो यूजर बिफोर वर्सेस आफ्टर 31 मार्च वाली वीडियो वायरल हो गई और उन्होंने 2 दिन में यूट्यूब पर 100K व्यूज मिले और साथ ही उनके सब्सक्राइबर्स 3000 से बढ़कर 13000 हो गए। ये मुकेश अंबानी लूप रिव्यू ऑफर लाया आपके लिए। इस वीडियो के बाद राउंड टू हेल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार बेहतरीन वीडियो लाते रहे और आज इनके चैनल पर 25 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।